गुवाहाटी में खेले गए इंडिया यूथ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले 17 वर्षीय विंका अब आगामी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को टारगेट कर रही हैं, जो 22 फरवरी से 1 मार्च तक भुवनेश्वर में होने वाला है। एक टैक्सी ड्राइवर विंका की बेटी ने पानीपत में अपने कॉलेज आर्य पीजी कॉलेज का दौरा किया, जहां प्रशासन द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे कॉलेज की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा विंका जो है वो खेलो इंडिया प्रतियोगिता में बॉक्सिंग में उन्होंने जो गुवाहाटी में अभी संपन्न हुई है 22 जनवरी तक, तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने हासिल किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पूरे आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से बेटी विंका को, इसके परिवार को, इनके सभी टीचर्स को, कोचिज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इससे पहले जो हमारे यूथ गेम्स हुए थे उसके अंदर इस बेटी ने मंगोलिया में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया था। नेशनल जो बॉक्सिंग एकेडमी है वहाँ से ये कोचिंग ले रही हैं। तो पूरे कॉलेज फैमिली की ओर से इस बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश भारत का नाम रोशन करे, आगे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर के आए। बहुत ही सिंसियर बेटी है, एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छी है और स्पोर्ट्स को भी इन्होंने करियर के तौर पर चुना है। आर्य पीजी कॉलेज में पढ़ती हूँ और अब मेरा खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज आया है 64 kg में, और ये असम में हुई थी, असम गुवाहाटी में। तो किसको देना चाहेंगे इस जीत का श्रेय? इसका श्रेय मैं अपनी फैमिली, अपने कॉलेज और खेलो इंडिया को देना चाहूंगी। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी में मैं ट्रेनिंग करती हूँ, मैं अपने कोचेस को देना चाहूंगी वहाँ के। विंका के लिए उसका अगला लक्ष्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, जहाँ वो गोल्ड मेडल जीतना चाहती है। मेरा लक्ष्य यही है, अभी भुवनेश्वर में हमारी खेलो यूनिवर्सिटी होने वाली है, मैं चाहती थी मेरा उसमें गोल्ड आए।